वी वुड नॉट सरेंडर, वी वुड फाइट। आपने सुना लोगों को, मतलब फिर क्या हुआ सर? मैं आज आपको अल्फिया कहता हूं, हमारे बड़े कहते हैं आखिरी वक्त तक पाकिस्तान में मिली नग में गाए जा रहे थे कि पाक फौज के जवान आगे बढ़ रहे हैं, नुसरुल फतेह उल करीम। नूरजान वो पता नहीं क्यों उनकी कोई सिंगर थी, वो गाने गा रहे थे उसको। क्या क्या पूरा मीडिया जो आज जो इनका मीडिया जो जहर है सर है पाकिस्तानी फौज के, सियासतदान भी उनके कंट्रोल में है। तब वो 1971 वाली एक कहानी थी कि सब मतलब पाकिस्तानी फौज नुसरत फतेह करीम फतेह करीब है इकबाल के शाहीन होके। फिर आपने देखा 93,000 पतलूने। नमस्कार, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कुछ टाइम से यानी कि 2-3 दिन से वो बैठे हैं वॉशिंगटन में अमेरिका में, और अमेरिका में वो कई मीटिंग्स उन्होंने की, हो सकता है वो वापस आ गए हों, लेकिन उनकी ये लंबी यात्रा, उस यात्रा में हुआ क्या, मीटिंग्स का निष्कर्ष क्या निकला, क्या वो अपने आप को लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो अपनी एक केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए। लेकिन उनकी इसी यात्रा के दौरान एक खबर आई कि 9 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, क्या ये अमेरिका की तरफ से था कि इलेक्शंस करवाइए। ये सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिलाल बलूच। बिलाल बलूच एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में जर्नलिज्म करते रहे, उसके बाद ये चले गए एक और कंट्री में, अब इस समय वहां पे जर्नलिज्म कर रहे हैं। बिलाल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। बिलाल साहब, ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हुए हैं इस समय अमेरिका, वो हो सकता है वहां से वापस भी आ रहे हों या आ चुके हों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ क्या वहां पर बात कर रहे हैं, और इतनी लंबे दौरे में हुआ क्या? रोहित साहब थैंक यू, पहले तो मैं आपका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मदद किया। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अकेले नहीं, उसके साथ जो उनका जो कोई सीक्रेट एजेंसी है जिसको ISI कहते हैं, उसके जो चीफ हैं नदीम, वो भी उनके साथ ताज अंजुम, पता नहीं कोई ऐसा कोई है क्या, नदीम अंजुम वो भी उनके साथ है, वो भी उनके साथ हैं। तो पहले तो आप ये देखें, यहां पे इनका पोल खुल रहा है, ये कहते हैं कि ये मुल्क फौज नहीं चलाती, ऐसा ही कहते हैं ना, वो तो हमें पता है, वो एक अलग बात है कि हमें आपको दुनिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं बल्कि जो लोग पाकिस्तान पे नजर रखते हैं सबको पता है कि माई बाप कौन है पाकिस्तान का, ये दोनों वहां पे गए। अब ये एक तो खुला तजाद जो था, ये जो हमें जो ये चूरन बेचा करते थे कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसके लिए हम और आप कहते आ रहे हैं कि 75 सालों से इस मुल्क ने आज तक जमहूरियत देखी नहीं, या फौज आगे होता है या फौज पीछे होता है, ये जो पपट उन्होंने बिठाया हुआ है जिसका नाम काकड़ है, ये आद मानने वाला बंदा है, और आपने देखा है क्योंकि अब ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इनको डिक्टेशन बदकिस्मती से देना नहीं चाहिए और अमेरिका ही देता है। अमेरिका की एक रवायत रही है दुनिया में कि शायद क्या वजह है कि हर डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे दूसरे जगहों पर। अब मेरे ख्याल में उनको ये चीज समझनी चाहिए कि लोग उन पे असर है, एक तरफ आप वावेला करते हो ह्यूमन राइट्स की, आप डेमोक्रेसी की, दूसरी तरफ इन जैसे नासूरों को, जैसे पाकिस्तान है एक नासूर, नासूर से कहने का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, डीप स्टेट है, उनके अपने जो मिनिस्टर थे हिलरी क्लिंटन साहब, वो खुद कह चुके हैं कि मुल्क को आर्मी चलाती है, ISI चलाती है। तो ये है कि ये उधर गए बड़े बाबा के पास आशीर्वाद लेने, आप कह सकते हैं अब उनको जूतियां दें वहां पे, मिठाई दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द सिनेरियो। और ये रही बात आपकी, आपने जो कहा कि इलेक्शन की, इलेक्शन तो IMF का वो था, खैर वो अलग बात है कि IMF के पीछे भी ये बहादुर शाह बहादुर हैं, वो IMF ने कहा था कि हम आपको तीसरी जो किस्त देंगे
वो उस गवर्नमेंट को जाएंगे जो जो उनके नजर में इलेक्टेड होगा, मगर मुझे और आपको पता है इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई, जो भी होता है इलेक्टेड होता है। तो ये उधर बड़े अब्बा के पास गए हैं, अब बड़े अब्बा उनको जुतियां दे, लाठी से मारे या जो भी कहे, हाथ शब्द कर रखे। फोटो तो आपने देखी होगी मेरे ख्याल में, जो हाथ वो बांध के खड़ा था। और मैं, मुझे और बंदे ने कहा उनसे बैठ के मिला भी नहीं है। अब उसमें क्या हकीकत है, चलते चलते अपने कुछ की तस्वीर देखी कि वो बैठा हुआ है अमेरिका का जो क्या बोलते हैं उसका, मैं नाम भूल गया, टोनी एंटोनी ब्लिंकन, आपने देखी कि फोटो उसकी देखी कि बैठा हुआ है एंटोनी ब्लिंकन, वो रास्ते में था, वो जा रहा था, उन्होंने कुछ सेक्रेटरीज बैठे हैं बाहर, एक खातून ने एक दूसरे से कहा कि ये साहब आए आपसे मिलने, वो मिलके दो तीन फोटो निकाल के उसने उसने भी फोटो मतलब खुद ने निकाली और उनके साथ ऐसे फोटो के लिए खड़ा ही नहीं हुआ एंटोनी ब्लिंकन। आपको मैं दोबारा कहता हूँ रोहित साहब, एंटोनी ब्लिंकन ने उनके साथ कोई तस्वीर नहीं निकाली, वो हाथ मिला रहे हैं, उन्होंने कोई उनके साथ फोटोग्राफर होता है फोटो खींचती ताकि मीडिया बैठे ना, फोटो दो जो इनके असिस्टेंट थे उन्होंने उनके साथ निकाला है, जो यहाँ से जो गए हैं अनडेमोक्रेटिक जो फासिस्ट आर्मी है उसके जो चीफ हैं, ये जो आसम मुनीर जिसको कहते हैं, उनके साथ उन्होंने तस्वीर निकाली, मगर वो उनके साथ बैठा भी नहीं है। कैन यू बिलीव दिस, अरे कोई तस्वीर तो दिखा दे, खड़े खड़े वो नहीं बोलते खड़े खड़े, जैसे कोई बंदा आता है जैसे कि सर वो बस इस तरह हुआ है। राइट right. अच्छा एक चीज और मैं ये पूछ रहा था कि क्या ये कहानी कि जो काकर साहब ने बोला अभी स्टेटमेंट दिया कि मैं 300 लड़ाई लड़ूंगा इंडिया से, और दिया भी 16 दिसंबर के आसपास, 16 दिसंबर क्या है जिस दिन बांग्लादेश ने सरेंडर किया था, तो वो उसके आसपास 300 लड़ाई लड़ने का एक ख्वाब कैसे आया काकर साहब को, ये कहानी क्या है? रोहित साहब मैं बार बार कहता हूं आप इंडिया के नागरिक हैं, आप दर्शक हैं, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, आप लोग बड़े सादे हो, आपको इनकी हिस्ट्री का नहीं पता, शायद वो क्लिप आपने नहीं देखी, एक दिन सरेंडर से पहले वो उठगार उसके मुंह में था, वी विल नॉट सरेंडर वी विल फाइट, आपने सुना होगा वो, मतलब फिर क्या हुआ सर? मैं आज आपको अल्फिया कहता हूं, हमारे बड़े कहते हैं आखिरी वक्त तक पाकिस्तान में मिली नगमे गाए जा रहे थे कि पाक फौज के जवान आगे बढ़ रहे हैं, नुसरत फतेह करीम, नूरजान, वो पता नहीं क्यों उनकी कोई सिंगर थी, वो गाने गा रहे थे उसको, क्या क्या पूरा मीडिया जो आज जो इनका मीडिया जो जहर है सर है पाकिस्तानी फौज के, सियासतदान भी उनके कंट्रोल में है, सब वो 1971 वाली एक कहानी थी कि सब मतलब पाकिस्तानी फौज नुसरत फतेह करीम फतेह करीब है इकबाल के शाहीन होके, फिर आपने देखा 93,000 पतलू ने 93,000 वो भी 3,000 इंडियन फौजियों के सामने दुनिया की, मुझे ऐसी सरेंडर आप देखें, अब उसका बंदा जो खुद इलेक्टेड भी नहीं है सिलेक्टेड है उन लोगों का जिन्होंने पतलू ने छोड़ी है, वो क्या कह रहा है जो आपने कहा 30 जंगे लड़ेंगे, वहां पे आटा तक नहीं है, आटा तक नहीं है वहां पे, मुल्क भीख पे चल रहा है, दुनिया की फौज आपने कभी देखी है जो चार दीवारी की जाके हिफाजत करती है फुटबॉल ग्राउंड की, आपने कोई दुनिया की फौज ऐसी देखी है? अफ्रीका की भी फौज मैंने ऐसी नहीं देखी, ये वही लोग करते हैं। और उसका ये जो सिलेक्टेड जो काकड़ है ये कहता है 16 टाइम लड़ेंगे, सर इस तरह तो पता नहीं है, उसकी कोई एक लाल टोपी वाले आपने देखा होगा वो पुराने उसकी वीडियो बोलता 5 साल दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे होंगे, हम चांद पे पहुंच रहे होंगे, आपने सुना होगा उसकी वो लाल टोपी वाले की, उनका कोई एक नमूना आता है कलोन मस्करा जाता है, ये है तो मतलब ज्यादातर मस्करे चाहे उनके जर्नलिस्ट हो चाहे उनके तजिया नगार हो चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हो, ये सारे मस्करे हैं, यकीन करो ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, या दुबले हैं या मस्करे हैं या एपोक्रेट है, जो दुबले जो मैंने आपसे पहले बात, बहुत कम आपको मिलेंगे जो हक की बात करते हैं जो रियलिटी की बात करते हैं। आज आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे बच्चों पे हाथ उठाया गया फिर एक दफा, फिर हमारी मासूम बहनों पे मर्द पुलिस पंजाब की पुलिस लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वो अपने जो
मारवा अदालत कत्ल हो रहे थे, जैसे ही डेरा गाजी खान पहुंचा पंजाब की हदूद शुरू हुई, वही चीज यार। इतना मतलब हमारे बार बार मैं कहता हूं यार, मैं अब मैं इनको क्या बताऊं रोहित साहब, यार कोई मासूम औरत जो सिर्फ लॉन्ग मार्च कर रही है, उसके हाथ में कलम है, वो जुबान से बोल रही है, उसके पैरों की चाले देखो आप, मतलब आप डरते हो। और आपने मतलब ये कानूनी फासिज्म का जो बाजार गर्म किया हुआ है, आप क्या समझे हम भूल जाएंगे रोहित साहब? ये इस मतलब अब मैं मतलब यार हमारे दुश्मनी भी लोग इस तरह नहीं करते। हमारे घर में कोई मतलब अपनी बेटी बच्ची तो अलग बात नहीं, घर में हम उनको माफ कर दे, हमारी माएं बहनें बच्चियां उनके यहां जा रहे हैं, उनकी नवाज शरीफ की जो बेटी थी जब वो आती थी वो अलग बात है कितनी झूठ बोलती थी यहाँ पे मिसिंग पर्सन की, और जब उसके वाले साहब को गवर्नमेंट का मतलब वो नाम, जब वो भी एक हिसाब से इनकलाबी था भी पुराना, इनकी सियासतदान के ड्रामे हैं, अस्करे हैं। आज को कुछ और बात करते थे, कल कुछ और बात करते हैं, आज कुछ और बात करते हैं। ये मतलब मैं कह रहा हूं, मुझे एक दो सुलझे हुए बंदे इस मुल्क में दिखाओ रोहित साहब। ये राज फतेह अली, कुछ चाज फतेह अली नाम का आपने नाम सुना होगा, वो बेरागू है हो आगे, आपने देखा होगा उसकी मतलब वो जो इंग्लैंड में रहता है दम, दम, दम। अब उसके साथ आईजी पुलिस मिलके फोटो खिंचवा रहा है, उसको शील्ड दे रहा है, वो एक मस्करा है, उसकी आवाज आप देखे दुनिया को पता है, दुनिया उस पर हंसती है कि ना उनके पास टाइम देखो, ये काम करते नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आप जानो, चाहत फतेह अली खान जाने, आपका काकड़ जाने, आपका फौज जाने, हमें बलोच सिंधी पश्तूनों को अलग करना, हमारी आपसे तहजीब नहीं मिलती, हमारी आपसे आपकी जुबान नहीं मिलती, हमारे रस्म रवाज ऐसे नहीं है, हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते। आप मुझे बताएं बलोच शर्मचार जब भी इनके घरों में घुसते थे, घरों से मतलब इनके बिलों में, इनको हेडक्वार्टर में, माओ बच्चों को एक तरफ करते थे रोहित साहब। इसलिए हमारे बड़े कहते थे कि दुश्मन भी नस्ली रखो। अब मैं इनको क्या बता, आज मैंने सुबह जब देखा ना मेरे, अब क्या हम कर सकते हैं आप मुझे बताओ, हम रो सकते हैं आपके चैनलों पे, दुनिया के चैनलों में आके इन बेशरम बेहया लोगों को हया कर सकते हैं दुनिया के सामने, और हम क्या कर सकते हैं। और वो आज वैसे कि आप कह रहे हैं कि काकड़ साहब आके वैसे हम जिदत पर लड़ाई लड़ी, ना बिजली है ना ये चीज कुछ भी नहीं है, मुल्क कितना उसका कर्जा है, कितना इंटरेस्ट उसका जाता है, इनको समझने के लिए पाकिस्तानी होना पड़ता है रोहित साहब, वो ना खुशकिस्मत है ना आप है ना मैं हूं। राइट, पाकिस्तानी उनको समझ। अच्छा एक चीज और, कि काकड़ साहब ने स्टेटमेंट अपने आप दे दिया क्या, क्या आर्मी से नहीं पूछा या आर्मी चाहती थी स्टेटमेंट जाए? वो तो वही बोलेगा जो मालिक कहेगा, और कभी कभी वो मालिक को खुश करने के लिए भी बोलता है। देखो ये इंसानी साइकोलॉजी होती है, जो पपेट होते हैं ना, जो इस तरह के मतलब वो ओवर एक्टिंग भी करता है कभी कभी ये बंदा, कभी कभी अंग्रेजी के ऐसे जुमले भी बोलता है जो शायद मैंने भी जिंदगी में नहीं सुने, आपने भी शायद नहीं सुने, तो बोलते हैं पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आप आ रहे हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा, इनकी मैं इनकी ट्विटर स्पेसों में जाके बैठ के मजे लेता हूँ, बदकिस्मती से वो मुझे स्पीकर तो देने की अलग बात है, लिसनर से भी रिमूव करते हैं, उनको पता है बलोच सुन के कहीं कुछ बोल देगा। वही देखो अब इनकी सोच देखो, ट्विटर स्पेसों की मैं आपको बात करता हूँ, ट्विटर स्पेस बनाते हैं, यूरोप की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं भाई, पाकिस्तानी लोग यूरोप की इकोनॉमी को संवार रहे हैं ट्विटर स्पेसों पे, आपके धर्म पे बात कर रहे हैं जिसको ए बी सी का पता नहीं है, वही चीजें हैं जो उन्होंने या तो यूट्यूब से उतारी है या कोई आप लोगों के धर्म का जो एक होता है ना कि वो दिल में कोई आग भड़कती है या इस तरह, या कोई जो डम्मी जो है ना एचिस्ट बने हुए दूसरे मुल्कों में, आपको पता है जाते हैं कि हम डम्मी है, फिर उनके दिल में वो तो होता है ना अल्लाह और रसूल की मतलब कुछ चीजें होती हैं, ये नहीं कि हम में जैसे हम तो नहीं कहते, मगर इस तरह की चीजें भी हैं, पाकिस्तानी करते हैं।
दूसरे मुल्कों में जाने के लिए करते हैं, इनकी दुनिया में ये किससे मशहूर है। इस तरह आप देखिए हर चीज में ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है इस ये पपेट इसने या तो अपने मर्जी से आकाओं को खुश करने के लिए बोला होगा या आकाओं ने डंडा देख के उसको बोला होगा कि आपको बोलना है। वो बोल की हालत क्या है वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है। राइट, ये मुल्क की हालत क्या है आपने बहुत सही बोला कि आपको भी पता है मुझे भी पता है। इस मुल्क में इलेक्शन की डेट आई है फरवरी में और उसका नोटिफिकेशन उस समय आया जब ये अमेरिका में थे आसिम मुनीर, क्या इसमें अमेरिका को कोई हाथ लग रहा है आपको? इसमें अमेरिका की हाथ नहीं, इसमें देखो उनको इलेक्शन करवाना है और दुनिया कह रही है उनके जो एक बिल्कुल नजर आ रहा है उनको नवाज शरीफ को वापस लाना है। वो इमरान नाम का जो बंदा था जो पहले इनकी इन्हीं के बंदा था, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ जिसको वजीर आजम बनाएगा 2018 में, उसको जेल में कर दिया है। उसकी पार्टी का कोई बंदा नाम तक ले उस पर FIR काट के उसको जेल में डाल देते। पूरी जुडिशरी, पूरी मीडिया, पूरी सहाफत, पूरी सहाफी, इंटेलेक्चुअल सब उनके कब्जे में। कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता सर नवाज शरीफ को वापस प्राइम मिनिस्टर लाना है। तो मेरे ख्याल में वो जल्द जल्दी में काम निपटा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इस तरह कोई ड्रामा हो जाए। वैसे भी ये खलीफा को बंद करके यहाँ पे ये जो पुराना वाला जो इनकलाबी है इसने जो वोट चाटना शुरू कर दिया, इसको आके प्राइम मिनिस्टर दोबारा बना दे, ये हाल है उन लोगों का। और ये इसमें IMF की बात है। और साहब मैं आपको फिर भी बोलता हूँ अमेरिका को उनकी डेमोक्रेसी मेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं। अमेरिका के लिए चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, उनको फौज के साथ बात करनी है और फौज ही लाता है। जैसे फौज पहले इमरान खान को लाई थी, अब मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आई है। ये कल तक फौज को गालियां देता था, फौज के मुतलिक गाने गाता था। आज वही नवाज शरीफ कहता है फौज मेरा चैतादार है, और कल जो फौज की चैता का डिफेंड करता था आज उनको गालियां दे रहे। तो इनको समझने के लिए मैं फिर वही मेरी बात, पाकिस्तानी बनना पड़ता है रोहित साहब। वो कुछ कभी चीते थे ना मैं हूं ना आप है, ना ही हमें भगवान अल्लाह मूसा ईसा पाकिस्तानी बनाए। सही बात है। अच्छा एक चीज और कि एक चीज है, एक मैं छोटी सी चीज पूछना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तानी आर्मी नवाज शरीफ को दोबारा वापस लाएगी? क्योंकि नवाज शरीफ बहुत बोलते घूम रहे हैं कि हम इंडिया से अच्छी दोस्ती चाह रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट्स तो उनकी कुछ ऐसी है जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हों, तो जरदारी क्या करेंगे? ये आपका सवाल बहुत वैलिड क्वेश्चन है और इसकी आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ। उसका जो बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो हर स्पीच में ये कह रहा है कि कल वोट को इज्जत दो वाले आज लेट गए, लेट मतलब फौज के सामने लेट गए। किसको बोल रहा है? नवाज शरीफ को बोल रहा है। जैसे कि इन्होंने 15 महीने जो हुकूमत की थी, जैसे नवाज शरीफ का भाई प्राइम मिनिस्टर था, ये मौसू खुद भी वजीर खारजा थे। अब इसने देखा कि मुफ्त के जहाज हैं, ये इस तरह की चीजें वह रही। तो लाइफ है, हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को। मगर इधर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ रोहित साहब, ये नहीं कि मैं कोई पीपल पार्टी का हामी हूं। अगर मुझसे कोई ये कहे कि आप कंपेयर करो पीपल पार्टी को PTI को या पीपल पार्टी को, तीनों को, नवाज लीग, PTI या PPP, कौन सा पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है, लिबरलिज्म पे यकीन रखती है, औरतों के हकूक पे असर रखती है, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है, वो पीपल पार्टी है। बाकी ये सब मजहबी है, कट्टर मजहबी, पांचे ऊपर जो नमाज नहीं पढ़े, मतलब इस तरीके की उनकी सोच है। तो कहने का मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है जरदारी का, शायद जरदारी डीलिंग भी डीलिंग में बहुत मास्टर बनता है, उसने पूरी सियासत देखी है, तो शायद वो उनके साथ नेगोशिएट दोबारा करे। जैसे कि जो पूरा सिस्टम का सेटअप जो था 15 महीने का, वो उन्होंने सेटअप करके दिया था आपके जरदारी ने। अब चूंकि उसको आउट किया गया है, अब ये मौसम खुद आए हैं वोट को इज्जत दो वाला पुराना इनकलाबी, वो शायद उनके साथ कोई एडजस्टमेंट। और ये बंदा ऐसा है कि ये दोनों जानते हैं कि भाई फौज ही दुनिया को, मतलब पाकिस्तान को चलाती है,
ये दुनिया का वाहिद मुल्क है फौज पाकिस्तान जिसको फौज चलाती है मात्र अफ्रीका कंट्री के। एशिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसको फौज चलाती हो। बर्मा में है मगर उसमें इतनी नहीं है। सही बात है। जैसे चाइना में है मगर कुछ मतलब वो इस तरीके की चीजें मतलब पार्टी चलाती है फौज नहीं चलाती। यहाँ पे फुल टाइम फौज चलाती है इस मुल्क। तो कम टू योर पॉइंट, आसिफ बरदारी नेगोशिएशन करने के मूड में होगा अगर उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ को ज्यादा सीटें मिलेंगी फौज, और जो फौज उनके पीछे तो जाहिर है जिस तरह 2018 में होता है, यहाँ पे इलेक्शन होते नहीं, इलेक्शन होता है मौसूब जब जिनको चाहे वो लेके आते हैं, अब नहीं चाहे जेल में बंद कर देते हैं उनको, कुछ करने नहीं देते। इमरान खान के साथ हुआ था पहले, नवाज शरीफ के साथ हुआ था पहले, बेनजीर साहिबा के साथ या जरदारी के साथ या दूसरों के साथ। तो दिस इज द रियलिटी। जैसे बलूचिस्तान में अपना बाप पार्टी बनाते हैं, अपने कुछ चुने हुए लोग लाते हैं, खुद पार्टियां रात को बनाते हैं, खुद मिनिस्टर लगाते हैं, चीफ मिनिस्टर जिसके 25 या पता नहीं 300 400 या पता नहीं 25 थे मतलब, दूसरों के 200 300 इस तरह के लोगों को डमडमकी की तरह के अंदर सामने कर देते हैं। जैसे कि सरफराज मुफ्ती है, ये जो दूसरा एक रेसानी का बेटा है, बांझा है, तो इस तरह के तो इनके पास ड्रामे बहुत है। ये इंडिया नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। डेमोक्रेसी को छोड़े इलेक्शन मतलब आप दुनिया में मतलब मैंने ऐसा बनाना रिपब्लिक नहीं देखा माजरत के साथ। शायद आपके कुछ जो पाकिस्तानी जो रोइवर्स है उनको शायद मेरी बातें कुछ अलग लगे, मगर मैं उनको ये बोलता रहा हूं कि ये मुल्क आपका बनाना रिपब्लिक है, बनाना रिपब्लिक था, एंड इट इज गोइंग टू बी मोर वर्स्ट एंड वर्स्ट। राइट, इट्स गोइंग टू बी वर्स एंड वर्स। सही बात है, सही बात है, सिचुएशन बहुत खराब है। लेकिन पाकिस्तान इस आर्मी के कंट्रोल से बाहर निकलता भी नहीं दिख रहा है। और मैं आपसे सवाल करता हूँ, कौन निकालेगा? मुझे निकालने वाला कौन? इमरान ये भी कह रहा है कि मुझे निकालो, मैं वो कहता है कि मुझे वजीर आजम बनाओ। मसला यही है, हर कोई कहता है कि मैं आप बूट पॉलिश उससे ज्यादा कर सकता हूँ। नारा वो लगा रहा है इमरान अभी, मैं ये नहीं कहता, नारा वो लगा रहा है। अब बाहर आके वही काम उसको करने, उनके लोगों ने 9 मई को बाहर निकल के कुछ किया था, अब उनका हाल देखो आप, उनके साथ क्या हो रहा, 10 दफा गिरफ्तार करते हैं उनको। और रही बात जुडिशरी की, अच्छा एक बात मुझे आप रोज तक बताए, आपके इंडिया में जो जजेस की बेगुमात है उनको एयरपोर्ट पे चेक नहीं किया जाता है, इस्तिस्ना हासिल है? हमारे यहाँ जजेस की बेगमत छोड़िए, जजेस और जजेस भी छोड़िए, मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स सबकी चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे। सिर्फ एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ, नेवी एयरफोर्स चीफ, इन तीन को छोड़ के बाकी सबकी चेकिंग होती है। यहाँ पे जजेस ने एक लेटर निकाला है पाकिस्तान में कि हमारे बेगमात को भी एयरपोर्ट पे चेक नहीं करें। रोहित साहब वो फोर्स तो अलग बात है उनकी, कर्नल तो चेक होता नहीं, मेजर लेवल से तो ऊपर चेक होता, मेजर तो क्या मैं बोलता हूँ, उनका कोई सूबेदार भी होकर उनकी कुछ अप्रोच है वो भी अपने आप को चेक नहीं करता। आज तो जजेस ने नोटिफिकेशन तक देखा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला, ये मुल्क आके आपसे लड़ेगा? ये मुल्क आके इंडिया जैसी सिविलाइज डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग जिसकी आर्मी मतलब चाइना के लेवल में आ रही है, जिसकी इकोनॉमी चाइना के लेवल तक आने वाली है, वो आके आपसे लड़ेगा? जो आटे को तरस रहे हैं, $1 300 के करीब है, बिजली नहीं है, मतलब पाकिस्तान के शहर सबसे आलूदा तरीन शहर है दुनिया का लाहौर, वो आके आपसे लड़ेगा? रोहित साहब आपकी डेमोक्रेसी ने कभी आर्मी का नाम तक नहीं, मुझे अभी तक याद पता नहीं है कि आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। पाकिस्तान के मुझे सब दिन वालों में आपको एक से लेके आज तक बता दूंगा कब से, मैं तो क्या हर कुछ, मैं तो एक मतलब आम बंदा भी आपको बता दे। ये हमारे आर्मी चीफ की जो पोस्ट है, हमारे आर्मी चीफ की जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, हम कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, और 62 ईयर्स ऑफ एज या 3 ईयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर, आपके 3 साल पहले हो गए,
चाहे आपकी अभी रिटायरमेंट 62 में टाइम है, आप जाइए, और आपका 3 साल पूरे नहीं हुए और आपका 6 महीने बाद ही आपके 62 एज पूरी हो गई, जाइए। रोहित साहब, ये बंदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये रिटायर हो चुका था। मैं आज आपके दर्शकों को बताता हूँ, रिटायर हो चुका था। एक दिन पहले असेंबली से बिल पास करके प्रमोशन देके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। क्यों? कि वो सेटअप बना हुआ था जब बाजवा का। अब दुनिया में अब मतलब मीडिया जर्नलिस्ट भटके हुए, कोई एक पार्टी को मतलब बनाना रिपब्लिक के बाद स्टेट वादा में और कुछ नहीं कर सकता। बनाना रिपब्लिक कैन नॉट फाइट। डीप स्टेट के लोग कभी मतलब कल कोई हो जाए ना, बलोच तो उनके साथ रहना नहीं चाहते, आपको पता है, सिंधी रहना नहीं चाहते, पश्तो रहना नहीं चाहते। अगर आसिफ बरदारी को ज्यादा वो करेंगे, आसिफ बरदारी सिर्फ एक नारा आसिफ बरदारी की तरफ से पाकिस्तान नक पे, आप देख लें उनके साथ क्या असर होगा सिंध में, ओपन नहीं जैसे बलूचिस्तान और पश्तून में, पश्तूनिस्तान में अपना केपीके में हो रहा है। हर कोई बंदा इनसे अपनी आजादी की ख्वाहिश रखता है, हर कोई बंदा। अब काकड़ कुछ भी कह सकता है, वो तो चांद पर भी आ, वो तो बदले कल हम चांद पर भी पहुंच जाएंगे, तो इनको सीरियस नहीं लिया करें अपना रोहित साहब। इनकी बात सुन के नीचे कमेंट अगर टाइम हो तो कलोन लिख दिया करें, जैसे मैं लगता हूँ, नहीं तो पाकिस्तान से उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान में मैं तो आपको बोलता हूँ, एक दिन हम अपने बलूचिस्तान पे रखते हैं, उस पर अगर हम फोकस करें तो बेहतर होगा, अगले हफ्ते या अगले वाले हफ्ते में तो बलूचिस्तान पे इशू रहेगा, बलूचिस्तान पे इशू रहेगा, और जल्दी हम बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।